नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप वो खबर देख रहे हैं जो पंचनामा नहीं है, लेकिन खबर फिर भी है। खबर ये है कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है। और जिस खबर को भारत लाइव ने सबसे पहले आपको बताया था और फेक न्यूज़ के नाम पर हमें बहुत लोगों ने प्रोत्साहित भी किया था, लेकिन आज उस खबर पर मुहर लग गई, यानी भारत लाइव की एक और खबर आज सत्य हो गई। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ देने तो आपके पास आते नहीं हैं, हम आते हैं आपके पास खबरों की खबर बताने, उन खबरों से आपको सरोकार कर रहे हैं जो आने वाले समय में बिहार की दशा और दिशा तय करेंगे। ऐसे में लौकुश समीकरण को साधने के लिए नीतीश कुमार का जो ब्रह्मास्त्र है वो तो चल गया। नीतीश कुमार ने जो चाहा वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। यही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को फूटे आंकने से रहे थे, लेकिन आज नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक मंच पर भी खड़े होंगे और अपने हिस्से की अर्जित की हुई राजनीतिक संपत्ति में से कुछ हिस्सा भी देंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो नीतीश कुमार का विरोध करते 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 उपेंद्र कुशवाहा इतने थक गए कि अंततः जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गए नीतीश कुमार के बगल में, जिस कुर्सी मात्र का वो विरोध कर रहे थे। चलिए, राजनीति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, कोई विचारधारा जैसी चीज़ होती नहीं है कलयुग में। और राजनीतिज्ञों में एक खास चरित्र होता है कि वो किसी भी समीकरण को साधने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में लौकुश समीकरण को साधने के लिए नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की ये नई सृजित दोस्ती कितने दिन चलती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। हालांकि हमने भविष्यवाणी इसको लेकर की है, भविष्यवाणी नहीं कहूँगा, एक राजनीतिक आकलन हमने किया है, वो आप देख सकते हैं पंचनामा में। लेकिन इस खबर में अभी आने का मेरा मकसद क्या है, इस खबर में इस वक्त आने का मकसद है, मैंने आपको कहा था कि कागज़ पर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार से लिखवा कर वशिष्ठ नारायण, जो कि पूर्व बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे जदयू के, लेकर रखे हुए हैं और वहीं कहीं ना कहीं गार्जियन रूपी उस वृक्ष का काम करेंगे जिसके नीचे ये दोनों भाई बैठकर एक दूसरे के साथ आगे जो जीवन बिताना है उसकी कल्पना करेंगे। यानी दोनों एक दूसरे के साथ चलने को लेकर प्रतिबद्धता जो है वो उस कागज के माध्यम से दर्शाएंगे जो वशिष्ठ नारायण के पास मौजूद है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते खुले नहीं थे, लेकिन जैसे ही वशिष्ठ नारायण के हाथ में ये बात आई, वशिष्ठ नारायण के साथ जाकर आपको याद होगा एम्स में टीकाकरण कराया था वैक्सीन का जो कोविड का है, उस वक्त साथ में वशिष्ठ नारायण के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे, तब भी कहीं ना कहीं हमारे इस बात पर मुहर लग गई थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने डिनाई किया था कि मीडिया जो ना सुनाए खबर चलाती है, सीधा उनका इशारा भारत लाइव की उस खबर पर था, क्योंकि मैंने वो खबर उपेंद्र कुशवाहा और उनके करीबी लोगों को, धीरज कुशवाहा और उनकी पार्टी के जो माधव आनंद है उनको सबको भेजी थी, जिसके बाद शायद हमारे ऊपर ही उन्होंने ये आरोप लगाया था। लेकिन आज जब कहीं ना कहीं वो विलय करने जा रहे हैं, तो ऐसे में इस पूरे विलय के सूत्रधार जो करता है यानी वशिष्ठ नारायण, वो क्या बोल रहे हैं ये हमारे पास आ गया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है और फेसबुक के माध्यम से उन्होंने, ये देख लीजिए आपकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, एक पोस्ट शेयर की है, साझा की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी इच्छाओं का देखा बड़े सपनों में विलय अध्याय अभी शेष है। और साथ में उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। यहाँ बात समझनी पड़ेगी, वशिष्ठ नारायण बहुत ही बड़े चिंतक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, एक साहित्यकार हैं, और जब वो छोटी सी बात लिखते हैं दो शब्दों की, दो लाइन की, तो इससे गागर में सागर भरने जैसा एहसास होता है। आज के इस वर्तमान जो राजनीतिक मेल मिलाप हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, जो हो रहा है मैंने आपको बताया पंचनामा में, उसका सूत्रधार सीधे तौर पर वशिष्ठ नारायण को कहा जा सकता है। नीतीश कुमार के समक्ष जाकर ये कहना बड़ा आसान नहीं होगा कि नीतीश कुमार के सामने जाकर उपेंद्र कुशवाहा नतमस्तक नहीं हो सकते, लेकिन परिवार का अगर गार्जियन चाहे तो दो गोतिया के चाचा के लड़कों को मैं आपस में दोस्ती करा सकता है। लौकुश की स्थिति आपको पता है, राम के दोनों वंशज आज एक हो रहे हैं, तो इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन परिस्थितियों में सत्ता का मलाई चाटने के लिए एक साथ यदि अगर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो इसे संपूर्णतः लौकुश का एक हो जाना अगर आप जोड़कर देखते हैं तो ये गलत होगा, ये दोनों तरह से गलत होगा। एक तरह से कि आप जातिवाद कर रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार लव वोटों के पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है और कुशवाहा करने के भी करा रखी कुशवाहा वोटों की, तो ये भी गलत होगा। लेकिन
छोटी मोटी इच्छाओं का, यानी सीधे तौर पर रालोसपा जो पार्टी है उस पर वशिष्ठ नारायण का कहना है कि बहुत छोटी मनसाओं को लेकर उपेंद्र कुशवाहा चल रहे थे, बहुत बड़ा अध्याय कोई रचने नहीं जा रहे थे, रालोसपा का बहुत बड़ा कोई भविष्य था नहीं, देखा बड़े सपनों में मिले, यानी जो नीतीश कुमार सपना देखते हैं बिहार को लेकर वो बहुत बड़ा है, जदयू बड़ी है और बड़े सागर में ही छोटी मोटी नदियां आकर मिलती हैं। दिक्कत यहाँ ये है कि कौन सागर है, कौन नदी है और इस नदी में कौन सा नाला आकर मिल रहा है, इस बात की व्याख्या अगले पंचनामा हम जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर जरूर है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, वशिष्ठ नारायण ने, भले ही वो बिहार में अब प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है लेकिन गार्जियन तो है और इस पार्टी के एक वरिष्ठ वृक्षों में से एक है, और अगर उनकी शीतलतम छाया के अंदर में अगर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक हो रहे हैं तो इसे कहा जा सकता है कि गुरु वशिष्ठ साक्षी हैं और सामने सन्मुख खड़े दो लवकुश और दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ने में एक बार फिर से एक गुरु की भूमिका निभाई है इन्होंने। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत छोटी है और नीतीश कुमार के जो सपने हैं वो बड़े हैं, और आज उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश में आकर मिले हैं तो भले ही वो अपनी निजता जो है, निज जो व्यवहार है, निजता जो उनका संस्कार है, राजनीतिक जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसे जरूर खो रहे हैं, लेकिन एक बड़े सपने के लिए वो छोटी कुर्बानी है, आगे चल के बहुत कुछ होना है। तो इस खबर में इतना ही, अगली खबर में आपसे मुलाकात करते हैं। याद रखिएगा पंचनामा के कुछ खेपे अभी आने बाकी हैं, इन सारे मसलों पर अभी हम चर्चा आपसे करेंगे, तो बने रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, आपकी नज़र भारत लाइव पर जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।